नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग एक, उसका जो गद्यखंड का छठा अध्याय कृष्णनाथ, जिन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है, जिसका हम अध्ययन करेंगे आज, जो कि स्पीति में बारिश, उसका वर्णन के द्वारा किया गया है। तो चलिए उससे पहले जान लेते हैं इनका परिचय कि कृष्णनाथ कौन थे, इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं। अब ये इनकी एक रचना थी लद्दाख में राग विराग, तो उसमें से कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो अपने अध्याय के प्रारंभ में लिखी हुई हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत मिला छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है यानी इच्छा है, जान लेने की पहचान लेने की। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ इनके द्वारा कही गई हैं कि चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, कि चलते चलते अंत नहीं आता है ना, और अंत के बिना छुटकारा नहीं मिलता, इसलिए तपस्या है, ये तपस्या है, धुआं है यानी इच्छा है जान लेने की। अब किस चीज़ की इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की इच्छा है। ये लद्दाख में राग विराग ना, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो चलिए अपने जान लेते हैं कि कृष्णनाथ जी कौन थे। अब कृष्णनाथ जी का जो जन्म है सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है लद्दाख में राग विराग, जो कि हमने पढ़ी है ना, ये ऊपर वाली पंक्तियाँ तो वो इसी रचना में से ली गई हैं, लद्दाख में राग विराग में से। किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश जो कि हम पढ़ेंगे, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अब इसमें हिमालय लिखा हुआ ना, हिमालय यात्रा ही है, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है, और जिनको सम्मान मिला है वो लोहिया सम्मान मिला है, और इनकी मृत्यु जो है सन 2016 में हुई। अब ये तो था इनका संक्षिप्त परिचय, लेकिन कृष्णनाथ का जो व्यक्तित्व है उनके बारे में क्या था, कैसा व्यक्तित्व था, तो चलिए जान लेते हैं हम। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, कई पक्ष हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। अब देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए के स्नातकोत्तर किया, और उसके बाद में जो इनका झुकाव है ना वो समाजवादी आंदोलन की ओर हो गया और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। अब देखिए इनका जो जन्म 1934 में हुआ, तो उस समय हमारा देश गुलाम था, तो इसलिए इनका जो झुकाव है वो समाजवादी आंदोलन की तरफ हो गया, और बौद्ध दर्शन की ओर भी इनका ध्यान हो गया, जो झुकाव था ना वो हो गया था। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रही। अब ये अर्थशास्त्र के विद्वान रहे हैं और काशी विद्यापीठ में भी ये उसी विषय के अर्थात अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। अब देखिए अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं, ये प्रोफेसर हैं, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनकी पकड़ है, तो जिसके कारण से दोनों की पत्रकारिता से उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी के साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी कई साल रही। अब देखिए जो हिंदी की साहित्यिक पत्रिका थी कल्पना, उसके संपादक मंडल में रहे थे कि क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए, तो ऐसा जो है तो संपादक मंडल में थी ये, और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। अब मैनकाइंड ये भी एक पत्र है जो अंग्रेजी में छपता था, तो उसका भी कई वर्षों तक संपादन किया था इन्होंने। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। अब देखिए राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से, अब राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं ये, पत्रकारिता में सक्रिय थे और अध्यापन की प्रक्रिया, अध्यापन तो करवा ही रहे थे ये, है ना, काशी विश्वविद्यालय के अंदर ही वहाँ पर। तो ये जब इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो उसी समय ये बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए, तो बौद्ध दर्शन जो है उससे काफ़ी प्रभावित हुए ये और उसकी ओर आकर्षित हो गई है। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। अब देखिए नागार्जुन जो है वो भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे ना, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो नागार्जुन का जो दर्शन था
उससे और ये वज्र यानी परंपरा का अध्ययन इन्होंने शुरू किया। भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। अब जो भारतीय चिंतक थे ना जय कृष्णमूर्ति, तो जब उन्होंने बौद्ध विद्वानों के साथ में चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनके साथ में ही थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ सीखा, अब सीखा भी और लिखा भी है इन्होंने, क्योंकि ये उस जो अपने चिंतन मनन की प्रक्रिया जो थी तो विद्वानों का चिंतन मनन जब शुरू हुआ तो उसके अंदर ये शामिल भी थे। तो बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। तो इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। अब देखिए बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा इन्होंने, लेकिन फिर भी इनकी जो सृजन की जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर मतलब घुमंतु प्रवृत्ति को गए, आज यहाँ कल कहीं और, है ना, इस प्रकार से। जैसे नागार्जुन जी थे ना, और राहुल शंकरते हैं, इनके बारे में उन्होंने पढ़ा है, तो वो यायावर प्रवृत्ति के थे। तो उसी प्रकार से जो कृष्णनाथ जी हैं वो भी यायावर प्रवृत्ति के हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। अब वैचारिक धरातल पर घुमंतु यानी कि विचारों को आगे बढ़ाना, विचार किस प्रकार के हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित या समाज के, तो उसका चिंतन मनन करना। और दूसरी जो सांसारिक अर्थ में, सांसारिक अर्थ में मतलब कि अलग अलग स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। अब देखिए जो हिमालय की यात्रा प्रारंभ की इन्होंने पहले, तो उनको ढूंढना प्रारंभ किया, उन स्थानों को ढूंढना प्रयास किया इन्होंने कि जो बौद्ध धर्म से और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए थे, भारतीय जो संस्कृति कह सकते हैं उनसे जो जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको खोजना प्रारंभ किया। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से उभर गई। अब देखिए यात्रा करते हैं और यात्रा को जब इन्होंने शब्दों में बांधना शुरू किया कि किस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब इन्होंने शब्दों में बांधना उसको प्रारंभ किया तो ये एक जो विधा थी जो कि यात्रा वृतांत है तो उसकी अनूठी जो विलक्षणता इसमें भर गई। कृष्णनाथ जी जहाँ की यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। अब देखिए कृष्णनाथ जी, अभी हमने पढ़ा था ना कि वैचारिक दृष्टि से भी, वैचारिक धरातल पर भी यात्रा की और सांसारिक, और सांसारिक मैंने आपको बताया था कि वे पर्यटक बनकर गए हैं, लेकिन पर्यटक के साथ साथ वे तत्ववेता भी बनकर गए हैं वहाँ पर, और तत्ववेता बनकर प्रत्येक तत्व का इन्होंने अध्ययन किया है। और इस प्रकार से इनकी जो यात्राएं हैं वे दो धातुओं पर चलती हैं, एक तो वैचारिक और एक सांसारिक। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विषय से जुड़ी स्मृतियों को उखाड़ती हैं। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि जो ये यात्रा कर रहे हैं कृष्णनाथ जी तो वे शुष्क यात्रा नहीं, अर्थात वे ऐसे नहीं कि यात्रा की और उसके बाद में भूल गए उसको, बल्कि उस स्थान की जो विशेष स्मृतियां हैं कि उस विशेष की क्या पहचान है स्थान की, तो उन स्मृतियों को भी ये उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं। अब लेखक कहते हैं कि ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में, इतिहास बढ़ रहा है आगे, लेकिन सिर्फ जो स्थानीय होकर रह गई हैं, स्थानीय मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वे ही केवल उसको जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। अब देखिए लेखक कहता है कि ये उन बातों को, उन स्मृतियों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं जिनको वहाँ के सिर्फ स्थानीय जो लोग हैं वे ही जानते हैं, और संपूर्ण जो भारतीय हैं वे लोकमानस में इनसे गहरा रिश्ता रखते हैं। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि वे आएँ, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। अब देखिए पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुई, दुबक कर मतलब छिप कर बैठी हुई कोई विस्मृत भुलाई हुई सी जो याद है, वो ऐसे लगता है मानो, ऐसे लगता है कि जैसे कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो, क्योंकि कृष्णनाथ जी ने छोटी से छोटी जो बात है उसको भी जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि जो छोटी
बड़े शिखर जो हैं उनमें दुखी बैठी हुई सी, भूली हुई सी जो याद है, तो उसको वह ऐसे सोच रही है कि कृष्ण नाथ आएंगे और वे उसको लिखकर जनमानस तक पहुंचा देंगे। कृष्ण नाथ के यात्रा वृतांत का स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार से मिटे हुए हैं। अब देखिए कृष्ण नाथ के जो यात्रा वृतांत है ना, वो स्थान विशेष से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी भाषा, इतिहास और पुराण का संसार उसमें समेटे हुए हैं। पुराणिक जो बातें हैं ना उनको भी ये समाहित करते हैं उसमें, अपनी यात्रा वृतांत में। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। अब देखिए कितनी अधिक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये, कि पढ़ने मात्र से हमें ऐसा लगता है कि हम लेखक के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। अब देखिए लेखक कहता है कि वे लोग भी जिन्होंने इन स्थानों की यात्रा कर ली है, अगर वे कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृतांत है उसको पढ़ेंगे तो उनको इसमें कुछ नया ही मालूम होगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई। अब जो हमारा इसमें अध्याय संकलित किया गया है, स्पीति में बारिश, ये एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। अब स्पीति स्थान का नाम है और हिमाचल के मध्य में स्थित है ये। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। अब यह जो स्थान है वो अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य जो पर्वतीय स्थल हैं उनसे भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए लेखक ने केवल और केवल यात्रा ही नहीं की, बाहरी जो संस्कृति है उसका ही वर्णन नहीं किया बल्कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जो ऋतुएं हैं, जो फसल है, जो जलवायु है, जो भौगोलिक स्थिति है उसका वर्णन भी किया है जो कि परस्पर एक दूसरे से संबंधित भी हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। अब केवल इन्होंने वहाँ की जनसंख्या का, ऋतुओं का, फसलों का, जलवायु का या भूगोल का ही वर्णन नहीं किया, वहाँ की जो आकार प्रकार है उसका वर्णन नहीं किया बल्कि वहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से कठिनाई भरा जीवन जी रहे हैं तो उसका वर्णन भी इन्होंने किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वह बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि अगर कुछ युवा पर्यटक वहाँ पर पहुँच जाएं तो स्पीति का जो पर्यावरण है वो बदल सकता है। पर्यावरण कैसे बदल सकता है, वहाँ पर कुछ गर्माहट आ सकती है, हलचल पैदा हो सकती है और जो ठंडा रेगिस्तान जैसा दिखाई देने वाला स्पीति है तो उनके आने के कारण से वहाँ पर ऐसा होगा जैसे कि बूंदों से भरा हुआ कोई सुखद संयोग बन जाता है। जैसे जो ठंडा रेगिस्तान है उसके ऊपर जो ठंडी ओस की बूंदें गिरी हुई हैं वे अत्यंत आकर्षक लगती हैं, तो उसी प्रकार से ही स्पीति जो है वह भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो ये तो था इसमें परिचय कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीति में बारिश, इसके माध्यम से लेखक हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहता है, तो लेखक इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो चलिए बढ़ रहे हैं हम आगे। हम भी लेखक के साथ में स्पीति की यात्रा में शामिल होते हैं कि वहाँ की बारिश कैसी हो रही है, किस प्रकार का वहाँ का मौसम है, तो चलिए यात्रा करते हैं हम भी लेखक के साथ में स्पीति की। स्मिति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। आप देखिए स्पीति जो ना हिमाचल प्रदेश के लाहौल ये स्थान का नाम है, तो लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है। आकस्मिक मतलब अचानक अचानक ही हुआ है, इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अब देखिए ऊंचे दर्रे थे यहाँ पे, कठिन रास्ते हैं, तो इतिहासकार भी यहाँ पे कमी आ पाए हैं। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य जिसको लांघा नहीं जा सकता, ऐसा जो भूगोल है वो इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और काजा के बीच खटकता रहता है। अब देखिए स्पीति जो है हिमाचल का एक भाग है, हिमालय का एक भाग है, जहाँ पे जो संचार का साधन जो है वह अभी भी वायरलेस सेट को माना जाता है। पहले से अब संचार के साधन में सुधार हुआ है जो केलंग और काजा के बीच खटकता रहता है।
फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं कांजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। अब देखिए जो केलंग है ना, केलंग और ये कांजा दोस्तान हैं, तो केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं जो कांजा का सूबेदार जो है उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है, क्योंकि दुर्गम है ये स्थान तो जाया नहीं जा सकता, तो वायरलेस के द्वारा ही संपर्क साधा जा रहा है वहाँ पर। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। वसंत ऋतु जब चारों हरियाली छा जाती है, मौसम सुहावना रहता है, तो 170 मील जो है जाना आना तो काफ़ी कठिन लगता है, और शीत ऋतु में तो प्राय असंभव सा ही है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, अनाम जिसको कोई नाम नहीं दिया गया, तो भारतीय साम्राज्यों का ऐसा अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। अब जब ये साम्राज्य टूट गए ना, भारतीय जो साम्राज्य थे, तो जब ये टूटे तो ये स्वतंत्र हुई है, इसका नाम अलग से आया है स्पीति का। पहले इसका कोई अंग नहीं था, यानी कि कोई नाम नहीं था इसका। फिर मध्ययुग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। अब देखिए जो स्पीति है ना, तो वह कभी तो लद्दाख मंडल के अंतर्गत मानी गई है, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, है ना, मंडल का मतलब कि जो डिवीज़न है, तो कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है ये, तब भी प्राय स्वायत्त रही है। अब स्वायत्त मतलब अपने ही अधीन रही है, इस पर किसी का अधिकार नहीं हुआ, इसकी स्वायत्ता भूगोल ने सिरजी है। सिरजी मतलब कि सृजन किया है, भूगोल ने ही बनाया है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है ना, भौगोलिक स्थिति, वो इतनी दुर्गम है कि इसको शीघ्रता से कोई अधिकार कर नहीं सकता। अगर जिसने अधिकार कर लिया तो वह इस पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल इसका संहार भी करता है। अब देखिए भूगोल इसकी रक्षा कर रहा है स्पीति की, और भूगोल इसका संहार करता है। संहार कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरलता से जाया नहीं जा सकता, तो यहाँ लोगों की जो संख्या बहुत कम है। तो पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। अब हरकारा कहते हैं कि जो संदेश वाहक हैं, कि जो राजा थे ना वहाँ के, तो उनका कोई संदेश वाहक आता तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था, कि आधा बसंत बीत जाता था, इतना अधिक समय लगता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। अब ये भी स्थान का नाम है तुपचिंग लिंग गोनप्पा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आँख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गई। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर मतलब ठिठक कर और आंखें बंद करके चांगमा का तना पकड़ कर, अब चांगमा ये वृक्ष है उसका तना पकड़ कर एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गई। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। अब जब जोरावर सिंह ने आक्रमण किया ना, तो वहाँ आक्रमण करने के कारण से जो स्पीति के लोग थे वे घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के बिहारों को लूटा। अब क्योंकि बौद्ध जो शिक्षा का केंद्र रहा है ये स्पीति, तो बौद्ध विहार थे तो उनको लूटा जोरावर सिंह ने। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। अब ये अप्रतिकर यानी कि जिसका कोई तोड़ नहीं किया जा सकता, तो शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। ये लाहौल जो स्थान का नाम है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। अब देखिए 1901 के अंदर है ना जो जनसंख्या थी यहाँ की 3231 है, और 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। अब स्पीति को लाहौल के साथ में जोड़ दिया गया, लाहौल के साथ में ही, तो इसका अलग से कोई क्षेत्रफल नहीं दिया गया। स्पीति का कितना क्षेत्रफल है, इम्पीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। अब देखिए ऑक्सफोर्ड की जो पुस्तक है 1908 में लिखी गई, उसका खंड 23 जो है उसके अनुसार यह जो क्षेत्र है वो 2155 वर्ग मील है।
इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। अब देखिए प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है यहाँ की जनसंख्या। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौर स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अब लाहौर स्पीति का जो प्रशासन है ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है वो भी बहुत कम वहाँ पर पहुँचा है, तो उसी प्रकार से भारत को जैसा था वैसे का वैसा ही वो लाहौर स्पीति का जो प्रशासन है वो मिल गया। अंग्रेज़ों को यहाँ 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अब अंग्रेज़ों को यह जो लाहौर स्पीति का क्षेत्र है वो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के द्वारा 1846 में मिला। अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले प्रदेश में प्रवेश चाहते थे। अब ये राजा गुलाब सिंह के द्वारा कश्मीर के जो राजा थे उनके द्वारा 1846 को अंग्रेज़ों को दिया गया है जो क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज़ों का अधिकार रहा, तो अंग्रेज़ चाहते थे कि इसके द्वारा वे जो हैं तिब्बत का जो ऊन वाला क्षेत्र है उसमें प्रवेश करें। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। अब तिब्बत में अंग्रेज़ पहुंच रहे हैं तो साम्राज्य का दूरगामी हित भी था। जो भी हो 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीन में आए। अब देखिए 1846 से पहले जो कुल्लू है लाहौल है स्पीति है ना वो ब्रिटिश अधीन में नहीं थे, लेकिन 1846 में वहाँ के जो राजा थे कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने इनको अंग्रेज़ों को दे दिया 1846 में, और ये अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा ज़िले में शरीक कर दिए गए। अब देखिए ये सुपरिटेंडेंट के अधीन थे पहले ये तीनों कुल्लू लाहौल और स्पीति, लेकिन बाद में 1847 में ये कांगड़ा जो ज़िला है ना उसके अंदर मिला दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन 1909 द्वारा चलाया जाता था। तो ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थक से यह नोनो कार्य करता रहा। अब नोनो मतलब जो है जो कि इनका अपने कह सकते हैं प्रतिनिधि जो है वो था वहाँ पे, तो वह वहाँ पे कार्य कर रहा था। तो ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थक से यह नोनो कार्य करता रहा, जो वहाँ का न्यायिक अधिकारी कह सकते हैं वहाँ का प्रशासक कह सकते हैं उसको नोनो कहा गया है। तो इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। और नोनो मतलब यानी कि जो कानून का पालन करवाने वाला वहाँ पे प्रशासक जो था, तो द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था इसका दर्जा जो है नोनो का। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानती हैं। अब देखिए राजा नहीं तो दमयंती जी जो हैं उनको रानी वो मान रहे थे। तो इसमें कुछ खास बात बताई गई है कि वर्तमान जो लाहौर स्पीति का जो क्षेत्र 12,210 वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या 34,000 है 2002 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें जो नोनो शब्द है ना वो स्थानीय शासक के लिए प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि स्थानीय जो प्रशासक था वहाँ का, तो उसको जो वहाँ पे अधिकार दिया गया और वह वहाँ पे शासन चला रहा था, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके समर्थन से है जो स्थानीय शासक है वो शासन करता था वहाँ पे, और द्वितीय दर्जे का जो मजिस्ट्रेट है उसका स्थान भी इसको दिया गया था। अगर वहाँ पे स्थानीय शासक नहीं है राजा नहीं है तो दमयंती जो हैं उनको वहाँ की रानी मानते हुए उसको वह अधिकार दिया जाता था। तो ये हमने संक्षिप्त रूप से कुछ जो है थोड़ा सा स्पीति के बारे में जाना है, इसकी जनसंख्या क्या थी, तो इसका क्षेत्र किस प्रकार से सुरक्षित है हिमालय से, और किस प्रकार से यह जो है दुर्गम भी रहा है, इसमें सृजन और विनाश का कारण भी इसके क्षेत्र को ही माना गया है, इसकी प्राकृतिक जो भौगोलिक स्थिति है उसको ही माना गया है। तो ये तो था स्पीति के बारे में कि किस प्रकार से यह अंग्रेज़ों का अधीन आया और कश्मीर के कौन से राजा के द्वारा इनको जो है स्पीति को अंग्रेज़ों को समर्पित किया गया। तो आज हमने उसका अध्ययन किया है, और वहाँ के जो स्थानीय शासक हैं तो उसको नोनो कहा गया है। तो ये था हमारा कृष्णनाथ द्वारा लिखित स्पीति की जो स्पीति में जो बारिश है उसका थोड़ा सा अध्ययन जो हमने किया है। तो भाग दो के अंतर्गत हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो लेखक है वो अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है और किस प्रकार से वह पाठकों को भी इस यात्रा से आनंदित करते हुए आगे ले जाता है। तो ये हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।